ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। राजधानी पटना में एक सप्ताह के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद पटना के सभी चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में मंगलवार को भी सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पटना के कारगिल चौक पर यातायात पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना किया है। वहीं जो भी वाहन चालक बिना मास्क के दिखे उनके भी चालान काट लिया गया। इसी कड़ी में कारगिल चौक पर राजनीतिक दल के कई गाड़ियों को भी चालान काटे गए, चाहे खास हो या आम, सभी कुछ यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना देना पड़ा है। आपको बताते चले कि उल्लंघन करने पर जुर्माना देना पड़ा है। बता दें, एक सप्ताह के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक लाखों रुपए जुर्माना के तौर पर वसूल कर लिए गए। हम इसमें सभी तरह का हम लोग फाइन कर रहे हैं, जैसे कि अब सीट बेल्ट हुआ, हेलमेट हुआ, त्रिकुल लोड हुआ, या मान लीजिए कि काला शीशा है, ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह का हम लोग फाइन कर रहे हैं। बाकी नहीं पहले ऊपर भी फाइन हो रही है। हाँ, उसका भी फाइन कर रहे हैं। बाकी नेताओं की गाड़ियां भी पकड़ी जा रही। देखिए, सभी आदमी का हम लोग फाइन कर रहे हैं, जो नियम के विरोध में अपना है गाड़ी उसका हम लोग फाइन कर रहे हैं। हमारा ए सैलाल बाबू सिंह नाम हुआ। कटा लीजिए सीट बेल्ट का 1000 कटा लीजिए, बिना सीट बेल्ट 1000। बहुत बढ़िया चीज, कटाइए जल्दी कटाओ। आओ लोग के लाइए 1000 रुपये। बेल्ट भी नहीं लिए हुए है, पढ़ाने से इनकार कर रहा है। हाँ, इनकार कर रहा है। बताइए तो हम लोग कैसे काम करेंगे। हाथ में लगा है, फोटो खींचा हुआ है। Oh!
सर।